बड़ी खबर ब्रेक न्यूज शाम लेकर का चुकी। जी हाँ दोस्त, मैं आपको बता दें कि बैंक खाते में एक बार फिर आ गए 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और इसकी लिस्ट भी 2021 बैच की नई सूची, नई लिस्ट जारी हो चुकी है। पूरी लिस्ट आप अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी बताई है कि आप लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि ये 1000 रुपए किन किन लोगों को मिले हैं आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, परिवार में दोस्तों, और किस बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है ये रकम दोस्तों। मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का आप फ़ायदा ले रहे हैं या नहीं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एक कंपनी हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, शुरू में ही जनपद दोस्तों, आप जिस भी जनपद जिले में आप रहते हैं, जिस भी जनपद जिले की आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक जनपद जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र, दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं, गांव की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक विकासखंड गाँव सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे के सेट में आना है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा शहरी क्षेत्र, दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं, शहर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक दोस्तों नगर निकाय सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्त मैं आपको गांव की दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक विकासखंड गांव सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक विकासखंड गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने उस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी विकासखंड में गाँव थे दोस्तों, ये देखिए पूरी ग्राम पंचायत की लिस्ट आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे गाँव के नाम मिल जाएंगे, ग्राम पंचायत गाँव के। अब दोस्तों आप जिस भी ग्राम पंचायत गांव में आप रहते हैं या देखना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक ग्राम पंचायत गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपने जो ग्राम पंचायत गाँव सेलेक्ट किया था दोस्तों, आपको उसका नाम मिल जाएगा। यहाँ पर जो कुल पेंशन है 21 लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर कुल धनराशि मिल जाएगी दोस्तों आपको लिस्ट देखने के लिए। ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख रहा है 21 दोस्तों, आपको इस पर ही क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने उस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है दोस्तों, ये देखिए पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रम संख्या, रजिस्टर संख्या, पेंशनर का नाम, पिता का नाम, लिंक आयु वर्ग, मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट, पेंशन का पता मिल जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भुगतान राशि मिल जाएगी, प्रथम चक्र द्वितीय चक्र मिल जाएगा दोस्तों, बैंक का नाम मिल जाएगा, अकाउंट नंबर के आखिरी के 4 डिजिट, ट्रांजैक्शन की स्थिति दोस्तों, ये जो पैसे दिए गए 1000 रुपये दोस्तों देख सकते हैं, 1000 रुपये सभी लोगों के बैंक खाते में दिए गए जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी लिस्ट में नाम होगा तो आपके भी बैंक खाते में मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपका लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और रोजाना ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।